रेवाड़ी में आज सोमवार को प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच काफी नोकझोंक हुई। गांव श्यामनगर के ग्रामीणों ने प्राइवेट अस्पताल में महिला की उपचार के दौरान मौत होने पर सर्कुलर रोड पर जाम लगाया हुआ था। ग्रामीणों ने अस्पताल के डॉक्टर पर FIR करने की मांग की। इस दौरान पुलिस ने उन्हें सड़क से हटने को कहा, लेकिन काफ़ी देर बाद भी जब ग्रामीण नहीं हटे तो पुलिस ने उन्हें खदेड़ते हुए सड़क से घसीट कर हटाया। इस बीच प्रदर्शनकारियों की DSP पवन कुमार के साथ भी काफ़ी देर तक बहस हुई। पुलिस जब प्रदर्शनकारियों को गाड़ियों में डालकर ले जाने लगी तो महिलाएं पुलिस की जिप्सी के सामने बैठ गई। दरअसल रेवाड़ी जिले के गांव श्यामनगर निवासी वीना का शहर के अंबेडकर चौक स्थित देव ज्योति अस्पताल में शनिवार को पथरी का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद ज़्यादा खून बहने की वजह से उसकी हालत गंभीर बन गई, जिस वजह से उसे रोहतक PGIMS रेफर किया गया, जहां बीना ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि देव ज्योति अस्पताल के डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान गलत नस काट दी, जिसकी वजह से अधिक खून बहा और डॉक्टर की लापरवाही से बीना की मौत हो गई। आप हमें धमकी दे रहे हैं, सुनिए मेरी बात। सर आपने बिल्कुल बता दी और हमारे वो समझ में नहीं आई। आपने जो बताई वो हमारे समझ में नहीं आई। कौन सी बात आपको धमकी लग रही है? ये आपके सारा मामला सामने ही है। रोड ब्लॉक कर रहे हैं, अरे जाम करवा दें हम। ट्रैफिक अवरुद्ध हो रहा है, किसी को इमरजेंसी है कितनी थी और समझाने के और फिर रोड के ऊपर करने के बावजूद भी एक दलित परिवार कार्रवाई की मांग रहा है। इतना डर क्यों है? पुलिस ने एक डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही। पुलिस नियमानुसार अपनी कार्रवाई करेगी। जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, जो डायरेक्शन है, उसके हिसाब से नेग्लिजेंसी बोर्ड बैठता है। पोस्टमार्टम करवाएंगे, डॉक्टरों की टीम से करवाएंगे। अब किसी बात को पक्ष नहीं मानता है तो क्या करेंगे बताओ? ये आप डॉक्टर के खिलाफ पहले कार्रवाई नेग्लिजेंसी के वो नियमानुसार होते हैं, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। पोस्टमार्टम से पहले इसी डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, बावजूद इसके एक दलित परिवार आप इसके चलते वो कर रहे हैं। हमें नहीं पता इस बात का। जैसे जो नियमानुसार वो कार्रवाई है, हम उसके अकॉर्डिंग। पुलिस किस दबाव में आखिर कार्रवाई नहीं करने से बच रही है? दबाव पुलिस के ऊपर कोई नहीं है। पुलिस नियमानुसार अपनी कार्रवाई करेगी, जैसे जो नियम और प्रोटोकॉल कहता है उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई। जेंट्स पुलिस लेडीज के ऊपर इस तरह से बर्ताव कर सकते हैं? मारपीट कर देखी गई अभी जो व्यवहार हुआ, अभी व्यवहार अभी जिस तरीके से हुआ उसको लेकर व्यवहार ठीक है। जो यहाँ रोड को ब्लॉक करके बैठे हैं आपके सामने, एक महिला की मृत्यु हुई है, उसके सामने महिला की मौत हो गई। हमने उसी एंगल से कल भी बहुत आराम से बात करी है। क्या महिला भी आपके सामने आराम से बात करी? क्या महिला? अब मेरी बातें सुनो, महिला का कोई इश्यू नहीं है, वो कर रहे हैं तो रोड जाम की स्थिति। क्या पुलिस को मारपीट करने का अधिकार दे दिया गया पुलिस महिला के साथ? किसी को कोई मारपीट नहीं करी पुलिस। वो किस कानून के तहत मारपीट करी गई महिलाओं के साथ? सर अभी जिस तरीके का व्यवहार हुआ सर उसकी बात कर रहे हैं। किसी भी निगरानी में सारा काम मारपीट। क्या कानून आपको इसकी इजाजत देता है इस तरह का व्यवहार करने? कोई मारपीट नहीं की। एक डॉक्टर के खिलाफ आप कह रहे हैं कि कानून हमें बोर्ड में पढ़ाएगा, उसके बाद आप गिरफ्तारी करेंगे, लेकिन एक आम व्यक्ति खिलाफ इस तरह कार्रवाई करने की साहब हैं, वहाँ भी बैठ कर रूलिंग ले सकते हैं। हमने बैठ के बातचीत करने के लिए बोल दिया। सर पुलिस क्यों डर रही है? क्यों डर रही है? आखिर कार्रवाई करने से क्यों डर रही है? सर FIR दर्ज नहीं हुई अभी तक। कार्रवाई कर रही है, कानून को याद मिलेगा तो गलत। DSP साहब एक महिला गाड़ी के आगे बैठी वो गलत है, लेकिन गाड़ी इस तरह से महिला को खींच रही है क्या वो सही है? क्या महिला को महिला खींच रही है? क्या हाँ खींच रहा था वो भी खींच रहा है। यहाँ रोड को ऊपर वो गलत है, वो गलत है। उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? किसी को नहीं खेच रहा इमरजेंसी में। कोई कोई पेशेंट आ रहा है उस डॉक्टर के खिलाफ पहले भी मुकदमे करते हैं नेग्लिजेंसी के, उसको लेकर क्या हो जाएगा? हम भी कर देंगे। अभी क्यों नहीं कर रहे? हम ना कर रहे हैं। क्या दिन हो गए इनको परेशान होते? दो दिन से नहीं है, ये कल ही लेकर आए हैं रोहतक PGIMS और कल भी हमने बताया था, आराम से बातचीत की थी कि नियमानुसार जो कार्रवाई बनती है पुलिस करने को तैयार है और अब भी यही बात कह रहे हैं। अभी क्यों नहीं कर देंगे नियमानुसार?
किस एक्ट के तहत हो जाएगा? पुलिस उस डॉक्टर के ऊपर चाहे 4 मुकदमे दर्ज है, लेकिन अब उसकी कोई नेग्लिजेंसी होगी तभी तो होगा। वो कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट करेगा कि आप करेंगे? उसमें नेग्लिजेंसी बोर्ड करता है। मुकदमे यदि पहले ही हो, बोर्ड से पहले भी हो रखे हो, तो उसमें क्या उसका मतलब यह नहीं होता कि उसने आगे कोई ऑफेंस ना किया हो और फिर 4 मुकदमे दर्ज हो, 5वां बगैर कोई जाँच की 5वां। अब आगे पुलिस की क्या कार्रवाई रहेगी ये बता दीजिए। अब जैसे आप वो तो सब चीजें हो गई, अभी पोस्टमार्टम नहीं हो, पुलिस की क्या कर रही है? इनकी मर्जी है अपनी, पुलिस को कौन से पाबंद कर रही है इनको? ये अगर ऐसा चाहते हैं तो वहाँ भी ये लिख के दे के आएंगे, हमको पुलिस कार्रवाई ना करवाना चाहते। सर उनकी तो एक ही मांग है कि FIR दर्ज की जाए, डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। किसके अकॉर्डिंग करी जाए? महिला की मौत हुई है, आरोप लगा रहे हैं। पुलिस डॉक्टर नहीं है, ये नहीं बता सकती कि ऑपरेशन ठीक हुआ है या गलत हुआ है, किस डॉक्टर के द्वारा गलती की गई है या नहीं की गई है, ये तो डॉक्टर का पैनल ही डिसाइड करेगा और वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, उसके बाद हम सेम डे कार्रवाई करने में तत्पर। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू।